नमकीन सबको पसंद आता है इट्स अ ऑल टाइम स्नैक एट द सेम टाइम हम लोग अक्सर नमकीन बाहर से ही खरीदते हैं वॉट इफ आई टोल्ड यू के घर पर भी बड़ी आसानी से बन जाता है इनफैक्ट मेरा एक वीडियो है मूंग दाल नमकीन डेफिनेटली वॉच इट उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन uh, में मैं डाल दूंगा एट द सेम टाइम आज हम बनाएंगे चना दाल नमकीन और ये एक बेसिक नमकीन है जिसके अंदर मैं मिलाऊंगा हमारा होम मसाला और इसको हम छटपट तैयार कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं चना दाल नमकीन चना दाल नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए चना दाल चना दाल ये कच्ची है अभी इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा और इसमें जाएगा पानी खूब सारा पानी और इसको अब हमें भिगो कर रखना है देखिए कम से कम चार से छः घंटे तो आपको भिगोना ही है ओवरनाइट भिगोएंगे बेस्ट है और भिगोने के बाद पानी हमें निकाल देना है इसका अच्छे से साफ पानी में से धोना है और धोने के बाद ये देखिए ये है हमारी भीगी हुई चना दाल अच्छे से फूल भी गई है अगर आप इस कच्ची चना दाल को भी खाते हैं ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है मतलब काफ़ी अच्छे से वो फूल चुकी है विल बी सरप्राइज हाउ सिंपल दिस इज टू मेक हमें लेना एक साफ कपड़ा उसमें हम डालेंगे इस चना दाल को और इसे हम इस तरीके से फैला लेंगे ना द आइडिया इज कि इसका जो पानी है उसे हमें सुखाना है तो आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं थोड़ी देर धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर कपड़े से अच्छे से इसे यूं दबा कर पैट ड्राई कर सकते हैं देखिए जो इसका पानी सुखाना है वो बेसिकली इसकी सतह पे जो पानी है उसे सुखाना है सो इट वोंट टेक मच टाइम इसे इस तरीके से वंस अगेन टर्न इट अराउंड देखिए जब चना दाल नमकीन बनाते हैं आप बेसिक नमकीन बना सकते हैं जो हम बना रहे हैं इस वक्त उसके अंदर सिर्फ नमक डालेंगे तैयार आप चाहें तो एक बढ़िया मसाला भी बना सकते हैं so, सो मसाला जो है मोरर वो आपके हाथ में है मतलब क्या, क्या क्या मसाले आपने डालने हैं इट्स ऑल अप टू यू मैं आज आपको एक बेसिक सा मसाला दिखाऊंगा बट डोंट लिमिट योर सेल्फ ट्रू दैट आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा मीठा भी डाल सकते हैं जैसे चीनी और चाहे तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं थोड़ा सा खोपरा भी डाल सकते हैं सेव भी डाल सकते हैं मूंगफली भी डाल सकते हैं और आपका पर्सनल नमकीन बन जाएगा होता है क्या कई बार नमकीन में ना Uh, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद हैं कई ऐसी चीज़ें होती जो हमें नहीं पसंद जैसे मैं अगर मिक्स्ड कुछ नमकीन खा रहा हूँ तो उसके अंदर जो मटर आते हैं वो मुझे नहीं पसंद वो अलग से मुझे पसंद है तो मैं मटर नहीं डालूंगा इसमें तो मेरा अपना पसंद का नमकीन तैयार हो जाएगा हो राइट right, ये पैर ड्राई कर लिया अब ये जाएगा सीधा गर्मा गर्म तेल में ध्यान से डालिएगा Right. All of it. There you go. अब इसको मीडियम फ्लेम पे हमें तलना है जैसे जैसे तलेगा इसका पहले मॉइस्चर उड़ेगा उसके बाद जो दाल है वो क्रिस्प हो जाएगी एज यू कैन सी जैसे जैसे ये पकना शुरू होता है ये दाल जो है तेल के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी दिस इज अ साइन कि दाल अच्छे से फूल कर अंदर आ, वो हल्की हो रही है नमकीन की तरह जैसे एम्टी हो जाती है ना क्रंची बिल्कुल वैसा टेक्स्चर आ रहा है उसका एट द सेम टाइम हम लोग जब सोडा डालते हैं उससे भी क्या होता है कि जब हम फ्राई करते हैं उसे तो जो दाल होती है वो एक्स्ट्रा क्रंची बनती है तभी वो सोडा भी डाला जाता है ये तैयार है एक अच्छा रंग आ गया इसमें इसे हम एक प्लेटर में निकाल लेंगे इसे जरा सा ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे हम अब बनाएंगे इसका मसाला मसाला के लिए हम लेंगे थोड़ी सी हींग उसमें डालेंगे थोड़ा नमक थोड़ा सा काला नमक लाल मिर्च का पाउडर और अमचूर साथ ही साथ इसमें मैं डाल रहा हूं सूखे पुदीने का पाउडर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देगा अब हमारा जो ये चना दाल है इसे हम बोल में डालेंगे और इस पे जाएगा ये मसाला इसे हम अच्छे से मिला लेंगे जो चना दाल है इस वक्त वॉम है थोड़ी और इस वजह से मसाला जो है इस पर अच्छे से चिपक जाएगा और कुकिंग का वसूल है ट्राई करना चाहिए गुड दूसरा उसूल है. एक बार और ट्राई करना चाहिए ट्राई करते करते खत्म हो जाएगा प्लेट करते हैं अब ये जो नमकीन बना है ये आप आराम से दो तीन महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं इसे मोह परफेक्ट गुड भाई चना दाल नमकीन डाल ये तैयार है और जैसा मैंने बताया कि एक बेस है इसके अंदर आप चाहें तो अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं जैसे मुरमुरा भुनी हुई मूंगफली थोड़ा फ्राइड कड़ी पत्ता थोड़ा खोपरा थोड़ा सा सेब थोड़ा किशमिश थोड़ा ड्राई फ्रूट मेक योर ओन नमकीन एट होम गुड लक लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाजार से नमकीन लेकर आते हैं और बाजार स... फिर से मालूम है चाचा